मोहन भागवत भारत के राष्ट्रपति हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है? धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, व्यवस्था हो, लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव हो। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बदौतियां नहीं, ये सबकी, जो भाजपा में है जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार, मेरे YouTube मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत। मोदी जी के सर पे 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ऐसा पागलपन सवार है, ऐसा भूत चढ़ गया है कि वह अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने को तैयार है, जबकि देश के चारों कोने के शंकराचार्य ने यह स्पष्ट कह दिया कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इससे देश में अनिष्ट होगा। मगर उसके बावजूद भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, बस यही भूत सवार है और वो सब कुछ करने को तैयार है। संजय शर्मा जी ने इसमें क्रोधित होकर क्या कहा, पहले वो सुने। जब तक मंदिर के ऊपर कलश स्थापित ना हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। चारों शंकराचार्य ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने को मना कर दिया। किसी गोदी मीडिया की औकात है? किसी गोदी मीडिया के चैनल में हिम्मत है जो इस विषय पर चर्चा करे कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो फिर किस बात का कौन व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है? किसने हक दे दिया मोहन भागवत को और किसने हक दे दिया नरेंद्र मोदी को कि बिना शंकराचार्य के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसे मंदिर में हो रही है जो मंदिर बना रहे हैं? क्या है मोहन भागवत? भारत के राष्ट्रपति हैं, देश का सबसे बड़ा काम कह रही है बीजेपी, उसके बावजूद भी देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा। और इससे पहले जब शिलान्यास हुआ था, जब ये कही गई थी होगी तो जनता को प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ेंगी, मैंने उनसे हाथ धोके कहा ईश्वर करे आपकी भविष्यवाणी गलत हो, लेकिन हुआ यही, दिल्ली और पूरा देश भूकंप से कांप गया, जबकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या कहा उन्होंने, मैं ये आगे सुनाऊंगा। गोदी मीडिया जोर लगा रहा है, हंगामा कर रहा है कि कांग्रेस नहीं गई, दिन भर चैनल पर चल रहा है कांग्रेस ने बोर्डर ठुकरा दिया। कुछ गोदी मीडिया के चैनल तो इतना आगे बढ़ गए, कह रहे हैं रामलला ने लेकर भेजा कांग्रेस में ठुकरा दिया। चंपत राय अब रामलला हो गए हैं, चंपत राय के भेजे न्योते को वो रामलला का न्योता कहकर चैनल चला रहे हैं। कौन चंपत राय है? तो क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल? चांदी श्रद्धा है, काय की श्रद्धा, मैं क्या करूं श्रद्धा? चांदी के फूल है 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं, क्या आप ही सोच के बताओ, ईश्वर के हवाले से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा सर? अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए, बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते, हमने अपने दरवाजे से सोना मढ़वाया, मढ़वा तो दिया, करे सीतन करे था, एक दरवाजे की कीमत 7 करोड़ हो गई, कम से कम पुजारी की गर्दन काटेंगे रास्ते में। यहाँ तो अयोध्या है, इसकी जान जैसी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। ट्रस्ट के वो सब कथित मालिक जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट की जमीन मिनटों में करोड़ों रुपए में ज्यादा में खरीदी, उन चंपत राय को भगवान राम को बता के कह रहे हैं कि रामलला का बेटा कांग्रेस ने टुकड़ा लिया। तो सुना आपने, और शंकराचार्य इतने क्रोधित है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी और निश्चलानंद जी ने क्या क्या कहा, वह सुनिए। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो, लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव हो, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, साथ सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हटाओ आदमी, और पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है और वह
तिरोहित कर जाने पर डाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। महाराज जी आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूं, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूं। तो सुना आपने, और इसके बाद संजय शर्मा जी ने क्या कहा वह सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया, कांग्रेस राजनीति कर रही है। भाई कांग्रेस नहीं जा रही, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो भगवान राम में ध्यान लगाओ। कांग्रेस जाए या नहीं जाए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि मकसद भगवान राम का मंदिर नहीं है, मकसद कांग्रेस को परेशान करना, बदनाम करना है। मैं तो समर्थन में हूं बिल्कुल। सवाल यह होना चाहिए, जब चार शंकराचार्य नहीं जा रहे जो हिंदू धर्म के प्रतीक है, हिंदू धर्म के भगवान है एक तरह के, तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों जाए? तो सुना आपने, संजय शर्मा जी ने और हमारे शंकराचार्य ने एक एक बात स्पष्ट कर दी जो देश हित के अंदर है। दर्शकों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे अधर्मियों की पोल खुल सके। नमस्कार।